अब तो बस जीतना है। एक राजा था। एक दिन गुप्तचरों ने उसे सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाले हैं। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है, वे अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देंगे और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। राजा बड़े चिंतित हो गया। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों को का मरना तय है, अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव हो तो बता सकता है। राजा के चतुर मंत्री ने कहा, अब जान पर बात आ गई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज इसी वक्त पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री बोला, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं, अभी उस राज्य पर हमला कर दें तो वे संभल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की संभावना बनेगी। वैसे भी हम पर हमला होने वाला है, वो इतनी विशाल सेना है, हम वैसे भी मरने वाले हैं, वो वैसे भी हमें 3 दिन बाद मारने वाले हैं, तो क्यों ना आज कुछ किया जाए। राजा को बात अच्छी लगी, उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध में चले गए। पड़ोसी राज्य में पहुंचने पर पहले एक पुल पार करना होता था। जैसे ही सेना पुल पार करके उस राज्य में घुसी तो राजा ने कहा कि हम पड़ोसी राज्य में घुस चुके हैं, ये जो पुल है इस पुल को जला दो। और जलाने के बाद सेना से बोल दिया, हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है सिवाय लड़ने के, अब हम या तो यहाँ लड़कर जीत जाएं और या फिर यहाँ पर मर जाएं, हमारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को उन्होंने हरा दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब आपके पास प्लान बी नहीं हो तो सिर्फ प्लान ए हो तो आपके जीतने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। जब आपके पास में रास्ता सिर्फ एक होता है तो कामयाब होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए।